ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹೇತುರ್ಭೂ ಮಾತೆ ಸಂಗೋಸ್ತವಿ ಕರ್ಮಣಿ. जिसका मन ईश्वर में रम जाए फिर संसार की कोई शक्ति उसे अपने विचार बदलने पर विवश नहीं कर सकती। यही आस्था तो किसी को पर्वत से टकरा जाने की प्रेरणा देती है। जिसने स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप दिया उसे किसी का क्या भय हो सकता है। जिसने ईश्वर की प्रभुसत्ता मान ली वो तो स्वाधीन हो जाता है, मुक्त हो जाता है। हिरण्यकशिपु ने यह देखकर कि उसका पुत्र उसे ईश्वर नहीं मानता उसे इस आशा पर दोबारा गुरुकुल भेजा कि शायद अब प्रहलाद अपने विचार बदल दे। परंतु मैं जानती हूं कि यह नहीं हो सकता। हां, अवश्य ही मुझे यह विचार व्याकुल कर रहा है कि यदि इस बार भी प्रहलाद ने अपने उन्हीं विचारों को व्यक्त किया जिसका आधार उसका श्री विष्णु पर विश्वास है तो हिरण्यकशिपु क्या करेगा। महारानी की जय हो, आपने बुलाया मुझे। हाँ चित्रा, राजकुमार प्रहलाद असुर सभागार में पधारने वाले हैं। तुम राजभवन के बाहर जाकर उनकी प्रतीक्षा करो और जैसे ही उनका रथ आए मेरा संदेशा दो कि सभागार जाने से पहले मुझसे एक बार अवश्य मिल लें। जो आ गया महारानी। देखना वह मुझसे मिले बिना सभागार न जाने पाए। महारानी के आदेश का पालन होगा। आइए। चलो सारथी। राजकुमार की जय हो। क्या बात है? राजमाता चाहती हैं कि भगवान के सभागार में जाने से पहले आप उनसे अवश्य मिल लें। गुरुजन, आप अतिथिशाला में विश्राम कीजिए, मैं माता जी से मिलकर आता हूँ। माती, पुत्र, मेरा पुत्र, मेरे प्राण, मेरी नैनों की ज्योति,
बस एक बार मेरी एक बात मानेगा? कहिए माते। अपने लिए ना सही, मेरे लिए, अपनी माँ के लिए, मन से ना सही, केवल मुख से एक बार अपने पिता को भगवान कह दे पुत्र। मन में तो जो मानता है वही मान, एक बार मुख से कह दे। माते, अब एक बात मैं पूछूं? क्या? यदि आप किसी के विषय में ये सुन ले कि उसके मुख पर कुछ और रहता है, मन में कुछ और, तो आप ऐसे व्यक्ति के विषय में क्या सोचेंगी? क्या आप ऐसे व्यक्ति को ढोंगी नहीं कहेंगी? माते, क्या आप चाहेंगी कि आपका पुत्र, आपके नैनों की ज्योति, एक चरित्रहीन व्यक्ति के रूप में जाना जाए, जिसके मुख पर कुछ और रहता है, मन में कुछ और? पर पुत्र, वो तुम्हारा वध कर देंगे, तुम्हें मार डालेंगे। यदि विधाता ने मेरी मृत्यु का रूप वध निर्धारित किया है और मेरी मृत्यु के लिए आज ही का दिन चुना है, तो माते, मैं मुख से कुछ भी कहूँ, मुझे आज ही मरना होगा। और यदि मुझे आज नहीं मरना है, तो मैं मुख से जो भी कहूँ, मुझे आज कोई नहीं मार सकता। माते, माँ से पुत्र को बल मिलता है। ईश्वर पर विश्वास के पश्चात आप ही का प्यार मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। चलिए माते, पिताश्री प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सर्वशक्तिमान भगवान हिरण्यकश्यपु की जय हो। महारानी कायधु और राजकुमार प्रह्लाद उपस्थित हो रहे हैं। पूज्य पिताश्री के दर्शन पाकर धन्य हो गया। आयुष्मान भव। पुत्र, बताओ तुम्हारे गुरुजनों ने तुम्हें क्या शिक्षा दी? हे पूज्य पिताश्री, मेरे गुरुजन ने मुझे वो सारी शिक्षा दी जो उनके पास है। यदि उस शिक्षा का कुछ अंश मैं ग्रहण कर सका, तो इसका श्रेय मेरे गुरुजन को है। और यदि उसका कुछ अंश मैं ग्रहण नहीं कर सका, तो इसमें सारा दोष मेरा अपना है। मेरे गुरुजन श्री शन और श्री अमर, उनका कोई दोष नहीं है। क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि ईश्वर कौन है? हे पूज्य पिताश्री, उन्होंने मुझे वो सब कुछ बताया जो आपने उन्हें बताने का आदेश दिया था। तो बताओ, ईश्वर कौन है? ईश्वर वो है जिसके आगे सब सिर झुकाते हैं। ईश्वर वो है जो सबका पूज्य है। सुंदर, अति सुंदर। ईश्वर वो है जो सर्वशक्तिमान है। उत्तम, अति उत्तम। ईश्वर वो है जिसके अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता। सत्य, सर्वथा सत्य। ईश्वर वो है जिसे मैं देख रहा हूँ, जो सर्वव्यापक है। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। बस तुम बोलते जाओ, बोलते जाओ। ईश्वर वो है जो मेरे हृदय में वास करता है। ईश्वर वो है जो मेरे समक्ष है। मैं प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न। राजकुमार प्रह्लाद की जय। 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 हर्षित हूं मैं, अति हर्षित। पुत्र, मेरा मन तुम्हारे सुंदर वचन सुनकर झूम उठा है। तुमने अंततः मुझे भगवान हिरण्यकश्यपु को अपना ईश्वर मान ही लिया। मैंने ये तो नहीं कहा पिताश्री, मैं तो आपकी आज्ञा अनुसार ये बता रहा था कि ईश्वर कौन है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए पूज्य नहीं हूँ? अवश्य है। तो फिर आप मेरे पिता हैं महाराज, और पिता संतान के लिए पूज्य ही होता है। किंतु तुमने कहा
ईश्वर वो है जो सर्वशक्तिमान होता है। ईश्वर वो है जिसे तुम देख रहे हो। ईश्वर वो है जो तुम्हारे समक्ष है। तो फिर मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। मुझे ही तुम देख रहे हो और मैं ही तुम्हारे समक्ष हूँ। ये सत्य है पिताश्री कि मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे समक्ष है, परंतु मेरा मन किसी और की लीला देख रहा है। मेरे मन के आंखों के समक्ष कोई और है। किसे देख रहे हो तुम? कौन है तुम्हारे मन की आंखों के समक्ष, बोलो। जो मेरे मन में वास करता है, जो मेरा ईश्वर है। कौन है तुम्हारा ईश्वर? जो सबका ईश्वर है, जो अजन्मा है, अनादि है, अनंत है। मूढ़, धूर्त, उसका नाम तो बता। सहस्र नाम है उसके, जनार्दन, जगदीश्वर, परमेश्वर, सर्वेश्वर, वासुदेव। पर जो नाम मुझे सबसे सुंदर लगता है वो है विष्णु, भगवान विष्णु। हे दुर्बुद्धि, दुर्मते, अभागे, किसने दिया तुझको ये उपदेश? किसने दिया? पिताश्री, हृदय में बसे हुए भगवान विष्णु तो जगत के उपदेशक है, परमात्मा है। उनके सिवा कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? तो तू अपने विष्णु के सिवा किसी और को ईश्वर मानने को तैयार नहीं? हाँ नहीं पिताश्री, जिसने श्री विष्णु को ईश्वर मान लिया हो वह किसी और को ईश्वर कैसे मान सकता है? सामंतो, देखते क्या हो, बंद कर दो इस धूर्त का। नहीं महाराज, दया कीजिए इस पर, दया कीजिए। जो विष्णु को भगवान मानता हो वो किसी भी दया के योग्य नहीं है। ठीक कहा स्वर भानु ने। सामंतो, मेरे इस मूढ़ पुत्र पर खड़क के ऐसे प्रहार करो किसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। प्रहार करो इस पर। नहीं महाराज, आपका पुत्र है प्रहलाद, अपने पुत्र को क्षमा कर दीजिए। ये मेरा पुत्र है? नहीं, ये तो विष्णु का दूत है, मेरा बैरी है, राजद्रोही है। सामंतो, बंद कर दो इसका। हे आसु सामंतो, जो भगवान विष्णु मुझ में है वह तुम्हारे भीतर भी है और इन शस्त्रों में भी है। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते। देखते क्या हो, वध कर दो इसका। नहीं! क्या हुआ माँ देवी? करुणा सागर, असुर सामंतों के इतने सारे खड्ग और बेचारे प्रहलाद का अकेला कोमल शरीर, कितना अत्याचार हो रहा है, देखा नहीं आपने? और प्रहलाद ने क्या कहा, सुना नहीं आपने? उसने तो कहा कि उन असुरों के भीतर भी मैं हूं। जब वो भयभीत नहीं है तो आप भयभीत क्यों हैं? तनिक इस अनुपम दृश्य को देखिए तो सही। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहार करो इस पे, प्रहार करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या हो गया तुम्हारे शस्त्रों को? क्या इनकी धार पलट गई? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? समाप्त कर दो मेरे बैरी को, समाप्त कर दो इसे। नहीं, रुक जाइए सामंतगढ़, आपने एक बार प्रयास करके देख लिया, कुछ नहीं बिगाड़ सके मेरे पुत्र का। अब मैं तुम्हें दोबारा प्रयास नहीं करने दूंगी। महारानी, हट जाइए बीच से। मेरे और मेरे शत्रु के बीच आने का किसी को अधिकार नहीं, फिर चाहे वो मेरी पत्नी क्यों ना हो। महाराज, मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ,
परंतु मैं प्रहलाद की माँ भी हूँ। एक माँ को अपने पुत्र की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। मैं भी पिता हूँ इसका, मैंने भी प्रेम किया था इससे, किंतु इस धूर्त ने विष्णु को अपना ईश्वर मानकर मेरे प्रेम को घृणा और क्रोध में बदल दिया। मैं इसे कदापि क्षमा नहीं कर सकता, कदापि नहीं। आप हट जाइए बीच से। आप क्षमा नहीं कर सकते क्योंकि आप पिता हैं इसके। मैं इसका वध नहीं देख सकती क्योंकि मैं माँ हूँ इसकी। मैंने इसे अपने गर्भ में पाला है, इसके जन पर प्रसव पीड़ा सही है। मैंने अपने रक्त को दूध में बदल कर इसका पेट भरा है। मैं इसकी पीड़ा पर तड़पी हूँ, इसके रोने पर रोई हूँ, इसके साथ रात रात भर जागी हूँ। आपने ये कुछ नहीं सहा महाराज, कुछ नहीं किया आपने। भला एक पिता भीतर की पीड़ा को कैसे समझ सकता है। महारानी, तो फिर आज आपको अपने पति और पुत्र में से किसी एक को चुनना होगा, किसी एक को। ऐसा मत कहिए महाराज, इतनी कड़ी परीक्षा मत लीजिए मेरी। तो फिर हट जाइए पीछे से, हट जाइए। मैं तो ये भी नहीं कर सकती क्योंकि आप मेरे सुहाग हैं और प्रहलाद मेरा रक्त। मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकती, परंतु हाँ इतना अवश्य कह सकती हूँ कि मेरे पति की आज्ञा का पालन करो और कर दो मेरे पुत्र का वध, किंतु उससे पहले मेरे तन के टुकड़े टुकड़े कर दो, कर दो मेरे तन के टुकड़े। आप रुक क्यों गए? कर दीजिए मेरे पुत्र का वध, अपने भगवान की आज्ञा का पालन करिए। जाने दीजिए भगवान, छोड़ दीजिए। नास्तिक प्रहलाद के साथ अपनी प्राण प्रिय महारानी से भी हाथ धो लेना बुद्धिमत्ता नहीं है। जीवन मृत्यु के प्रवेश के लिए अनेक द्वार रखता है, मृत्यु किसी भी द्वार से प्रवेश कर सकती है। अपनी सेवा का कुछ अवसर मुझ तुझ सेवक को भी दीजिए। इस समय प्रहलाद को छोड़ ही दीजिए। पर ये दुर्मति मेरे राज्य में नहीं रह सकता। कैसे रह सकता है? विष्णु के दूत और भगवान हिरण्यकश्यपु के पुजारी एक ही चार दीवारी में कदापि नहीं रह सकते। सामंतो, मेरे इस अभागे पुत्र को राज्य की सीमा से बाहर खदेड़ दो और घोषणा कर दो कि जो भी इसे जल देगा उसे जल प्राप्ति के सारे साधनों से वंचित कर दिया जाएगा। जो भी इसे अन्न देगा उसके अन्न भंडार फूंक दिए जाएंगे, और जो भी इस बालक को अपनी छत के नीचे आश्रय देगा उसके घर का विध्वंस कर दिया जाएगा। घोषणा कर दो और ले जाओ इस दुष्ट को मेरे आंखों के सामने से, ले जाओ इसे। माते, तुमने मातृत्व का धर्म निभाया। संसार ऐसी माताओं को सदा याद रखेगा। मुझे तुम पर गर्व है, तुमसे प्यार है, परंतु मेरी चिंता मत करो। मेरे साथ वही होगा जो विधाता ने मेरे भाग्य में लिख दिया है। मैं अपने पिता के आदेश का पालन कर रहा हूँ, तुमसे दूर जा रहा हूँ। हो सकता है ये सब भी मेरे श्री विष्णु भगवान की इच्छा से हो रहा हो।
पुत्र प्रहलाद को दुष्ट हिरण्यकश्यपु ने अपने राजभवन से निकाल दिया है। अन्य वस्त्र और आश्रय के सारे द्वार उसने बंद कर दिए हैं। परंतु वो क्रांतिकारी है महादेवी, क्रांति करके समस्त संसार को बदलने निकला है वो। अरे महादेवी, जो क्रांति करके समस्त संसार को बदलना चाहता है उसे सबसे पहले स्वयं को बदलना पड़ता है। फूलों की सेज को छोड़कर एक क्रांतिकारी को पथरीली खुरदरी भूमि को अपनी शैया बनाना पड़ता है। राजभवन का सुखद जीवन भूलकर कांटों की राह पर चलना पड़ता है। क्रांति की पहली मांग है त्याग, और त्याग की पहली मांग है सहनशीलता। अब देखना यह है महादेवी कि पुत्र प्रह्लाद त्याग और सहनशीलता की परीक्षा में कितना सफल होता है। परंतु हे कमल नयन, प्रह्लाद तो बिल्कुल अकेला है, उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है, सभी तो उसका विरोध कर रहे हैं। हर क्रांतिकारी शुरू में अकेला ही होता है महादेवी, सारे उसके विरोधी होते हैं। परंतु जैसे जैसे उसके विचारों का ताप बढ़ता जाता है, विरोध का हिम पिघलने लगता है। उसके विचारों से सहमत होने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हाँ, इसमें समय अवश्य लगता है। पत्थर के कण को रत्न बनने के लिए बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं महादेवी, और फिर वो अकेला कहाँ है, उसका विश्वास उसके साथ है, और जहां विश्वास है वहां मैं हूं। जानती हूं मैं, परंतु हिरण्यकश्यपु को ये नहीं करना चाहिए। कैसा कठोर है वो, पिता होते हुए भी अपने ही पुत्र पर इतना घोर अत्याचार, कैसा पिता है ये दुष्ट। हिरण्यकश्यपु क्या जाने महादेवी कि स्वयं अपने पुत्र प्रह्लाद को अत्याचार का लक्ष्य बनाकर वो अपने ही लिए महाविद्रोह का निमंत्रण दे रहा है। उसका हर बढ़ता हुआ पग उसे उसके पतन के निकट ले जा रहा है। बीत रही होगी उस पर। क्या हुआ महारानी? अरे ये रक्त कैसे निकल आया? आप तो विश्राम कर रही थी। पता नहीं, लगता है ये रक्त मेरे पुत्र की पीड़ा का संकेत दे रहा है। We'll be right back.
कैसा? आपको चोट कैसी लगी महारानी, बताइए। चोट मुझे नहीं लगी है स्वामी, लगता है हमारे पुत्र को चोट लगी है। कहीं पुत्र को चोट लगती है तो माता को पीड़ा होती है। नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने, नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने। वो मेरा पुत्र नहीं, वो मेरा बैरी है। मैं तो आपके पांव से बहते हुए रक्त को देखकर चिंतित हूं। मेरा रक्त आपको इतना चिंतित कर रहा है, पर पुत्र के शरीर से जो रक्त बह रहा होगा वह भी तो आपका रक्त है, आपका अपना रक्त। उसकी कोई चिंता नहीं है आपको? उसे क्षमा कर दीजिए स्वामी। नहीं महारानी, सब कुछ हो सकता है किंतु ये नहीं हो सकता। मैं अपने भाई के हत्यारे विष्णु और उसके भक्तों को कदापि क्षमा नहीं कर सकता, कदापि नहीं महारानी। हाँ, यदि वो अपनी भूल सुधार ले, विष्णु का नाम लेना छोड़ दे, मुझे ईश्वर मान ले, तो मेरी बाहें और मेरे मन के द्वार उसके लिए खुले हैं। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। पुत्र, कांटों पर क्यों चल रहे थे? तुम अपना मार्ग बदल भी तो सकते थे। गुरु अपने ही पढ़ाए पाठ को भूल जाने को कह रहे हैं। हे देवर्षि, आप ही ने तो कहा था कि विश्वास का मार्ग कभी ना छोड़ना, वासुदेव को कभी ना भूलना। परंतु पुत्र, इन कांटों ने तो तुम्हारे पांव को लहूलुहान कर दिया है, तुम्हें पीड़ा हो रही होगी। शरीर नश्वर है देवर्षि, कांटा चुभेगा तो पांव से लहू अवश्य निकलेगा। शरीर को पीड़ा भी होगी, पर केवल शरीर को, आत्मा को नहीं। मेरी आत्मा को तो श्री विष्णु के महामंत्र ने अपनी सुरक्षा में ले लिया है। शरीर पीड़ा झेल रहा है परंतु आत्मा आनंद विभोर हो रही है। पर अब तो मुझे कांटों के कारण जो पीड़ा हो रही थी उसमें भी आनंद मिल रहा है। यह क्या किया आपने देवर्षि? यह रक्त तो मेरा साहस बढ़ा रहा था, यह पीड़ा तो मुझे आनंद ही रही थी। धन्य हो पुत्र, आज ज्ञात हुआ कि सत्य के मार्ग की यात्रा में कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं जब पथिक आगे निकल जाता है और मार्गदर्शक पीछे छूट जाता है। तुमने तो मुझ जैसे मार्गदर्शक को भी पीछे छोड़ दिया। मुझे केवल अकेलापन सता रहा था, आप आए तो मेरा अकेलापन दूर हो गया। मैं तो केवल एक हूं पुत्र, तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए तो पूरा एक दल तैयार हो चुका है। नारायण नारायण।
ऋषियों ठहरो। ये सब के सब तुम कहां भागे जा रहे हो? हम जा रहे हैं गुरुदेव। अरे वह तो हम भी देख रहे हैं, परंतु कहां जा रहे हो? अपने मित्र के पास। मित्र के पास? हाँ, हम राजकुमार प्रहलाद को खोजने जा रहे हैं, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। अरे मूर्खों, सर्वनाश होगा तुम्हारा भी और हमारा भी। अगर भगवान हिरण्यकश्यप को इस बात की सूचना मिल गई तो तुम्हारा तो सत्यानाश होगा ही, हमारा जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। प्रहलाद ने भगवान हिरण्यकश्यप को ईश्वर न मानने का अपराध किया है, इसलिए उसे दंड दिया गया है। तुम क्यों दंड को निमंत्रण देते हो? वह अपराध तो हमने भी किया है गुरुदेव, हमने भी श्री विष्णु को अपना ईश्वर माना है। अरे मूर्खो, सत्यानाश हो तुम्हारा, रुक जाओ। हे भगवान, रक्षा करो हमारी। भ्राता, अब तो गए हम भी और तुम भी। सदा की भांति इस बार भी आपका वचन सत्य सिद्ध हुआ, पुत्र प्रहलाद सचमुच अकेला नहीं है। असुर गुरुकुल के समस्त विद्यार्थी उसके विचारों से सहमत दिखाई दे रहे हैं। महादेवी, बाल अवस्था में मन की स्थिति कोमल होती है, उपजाऊ भूमि की भांति। इस अवस्था में जो भी विचार मन की धरती में बो दिए जाएं, बहुत सरलता से जड़ पकड़ लेते हैं। उच्च विचार, उच्च आदर्श और जीवन के उच्च लक्ष्यों को बालकों के मन में बो देने के लिए बाल्यावस्था सबसे सुहानी ऋतु होती है। हाँ कमलनयन, मैंने स्वयं देखा है, पुत्र प्रहलाद ने असुर बालकों के मन में सुंदर विचारों के बीज डाले हैं और अब उनमें प्रेम की खेती लहलहा रही है। परंतु हे दया सिंधु, पुत्र प्रहलाद न जाने कब से भूखा प्यासा भटक रहा है। मुझे उसकी यह दशा देखकर बहुत दुख हो रहा है, कैसे होगा उसके पोषण का प्रबंध? हिरण्यकश्यपु ने तो उस पर जीवन के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। प्रकृति ने तो अपने द्वार बंद नहीं किए ना महादेवी, हिरण्यकश्यपु ने आपके पुत्र प्रहलाद पर जितने द्वार बंद किए हैं वो सारे द्वार प्रकृति स्वयं अपने हाथों से उसके लिए खोल देगी।
हे भगवान विष्णु, यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं कुछ ना खाऊं, कुछ ना पीऊं, भूखा प्यासा ही रहूं, तो यही सही है। मैं आपकी इच्छा के आगे सिर झुकाता हूं। मैं भूखा प्यासा रहकर भी आपका नाम जपता रहूंगा, आपके नाम का मंत्र पढ़ता रहूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान, भोजन परोसा जा चुका है। आइए महारानी। नहीं महाराज, आप भोजन कर लीजिए, मुझे इच्छा नहीं है। क्यों? जब ये ध्यान आता है कि मेरा लाल भूखा प्यासा कहीं भटक रहा होगा, अन्न के एक एक दाने और जल की एक एक बूंद को तरस रहा होगा, तो यह स्वादिष्ट व्यंजन, यह भोजन मुझे विष दिखाई देता है। सोने चांदी के ये बर्तन मुझे हला हल के प्याले लगने लगते हैं। यदि आज वो भूखा है, प्यासा है, भटक रहा है, तो उसका उत्तरदायी वो स्वयं है। उसने अपने हाथों से अपने जीवन को नर्क बना लिया है, और यदि वो अपने हट पर अड़ा रहा तो वो इस नर्क से निकल भी नहीं पाएगा महारानी, कभी नहीं। क्यों इतनी निर्दयता पे उतर आए हैं आप? नहीं महारानी, मैं निर्दय नहीं हूं, नहीं हूं मैं निर्दय। यदि आज वो अपनी हार मान ले और मुझे ईश्वर मानकर मेरे चरणों में अपना शीश नवा दे, तो मैं अपने हाथों से उसके पांव तले फूल बिछा दूं, अपने हाथों से उसे सोने का कौर खिलाऊं, अपने हाथों से थपक थपक कर अपनी गोद में सुलाऊं। हां महारानी, यह भगवान हिरण्यकश्यपु का वचन है। चलिए भोजन ग्रहण कीजिए। स्त्री, मैं भगवान होकर तुझे समझ नहीं पाया, तुझे कोई समझ नहीं सकता। अहंकार की आग में भस्म हो गया प्यार, पिता पुत्र के बीच में खड़ी हुई दीवार। छोड़ दिया पीछे महल, पकड़ी दुख की राह, प्रभु में जिसकी आस था उसको क्या परवाह, उसको क्या।
पथ पे चल सुजान विष्णु पुराण।